हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, ये एक ऐसा फेनोमेनन होता है जहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट एजेस के अराउंड स्मॉल ऑब्स्टेकल के साथ स्प्रेड कर जाती है ज्योमेट्रिकल शेडो में, और इस ऑब्स्टेकल में जो स्प्रेड हो जाता है लाइट, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। दोस्तों, ये जो डिफ्रैक्शन होता है ये पहली बार ऑब्जर्व किया था 1665 में ग्रिमल्डी नाम के वैज्ञानिक। और यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, ये डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला डिफ्रैक्शन होता है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है दोस्तों फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन होता है, इसमें हमारा जो सोर्स होता है ये हम लोगों का स्क्रीन के साथ, स्प्लिट और स्क्रीन के साथ फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। फाइनाइट डिस्टेंस मींस जिस डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। और इसका जो पैटर्न होता है, लाइट का पैटर्न होता है, ये सिलिंड्रिकल होता है या फिर आपका सर्कुलर होता है दोस्तों। और इसमें हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसमें हम लोगों का जो इमेज आता है ये आपका ब्राइट इमेज भी हो सकता है और डार्क इमेज भी हो सकता है, ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न जो जनरेट होता है यहाँ स्लाइड्स के बाद स्क्रीन पे। लेकिन जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है दोस्तों, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो हमारा सोर्स है और जो स्क्रीन है, ये दोनों का डिस्टेंस जो होता है हमारा दोस्तों, ये इन्फिनाइट पे होता है। और इसका जो इमेज फॉर्म होता है वो पूरी तरीके से ब्राइट होता है, इसमें डार्क रेज होते नहीं है दोस्तों। और ये जो हम लोगों का डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं, यहाँ पैरेलल बीम्स होते हैं सिलिंड्रिकल या फिर हमारे सर्कुलर बीम्स के मुकाबले। तो इस प्रकार से ये दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं दोस्तों। थैंक यू।